जन्म से ही कोई स्टार बनकर नहीं आता है, तो मेरी ये सोच है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी जब इस लाइन में स्टार्टिंग में आई थी, मेरा शुरुआत था, तो मैं भी कुछ नहीं थी, तो इन्हीं छोटे छोटे कलाकारों के साथ मैं वहां तक पहुंची हूं आज। जी सर, आप सभी का स्वागत है चर्चा और बीसीटी मीडिया में, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग लेके आए हैं जिसका नाम है जिंदा लाश। जरा कुछ शेयर करिए हमारे साथ में। सबसे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे पहले डायरेक्शन, और आज के टाइम पे तो वीडियो से ही गाने हिट हो रहे हैं। सबसे पहले वीडियो अच्छी होती है तो ही ऑडियंस ज्यादा रिस्पॉन्स देती है। तो सबसे पहले मास्टर अटल जी, जो कि इस गाने के डायरेक्टर हैं, जिस गाने का नाम है जिंदा लाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे इस गाने का कॉन्सेप्ट आपने बनाया, कैसे शुरुआत की, आप थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार, जितने भी दर्शक हैं हमारे चर्चा न्यूज के और बीसीटी मीडिया के, सबको मेरे अटल जी की तरफ से नमस्कार। जैसा कि बताया गया, हमने ये जिंदा लाश जो शूट किया है, हमारी ये पूरी टीम का मेहनत है कि हम लोग आज इसको इस कदर बना पाए हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ हमारे ये सिंगर जैसे साजन पांडे हो गए, और इनके साथ प्रभा राज जी गाए हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है, साथ में हमारे यहाँ पे जयंत जी म्यूजिक लाजवाब म्यूजिक दिया है, राइटर हमारे सोनू पांडे जी, और मैडम आप लोग बताने जरूरी नहीं है, वन्नू द ग्रेट वन्नू जी हैं, और हमारे हीरो विक्रम राठौर और शिबू का एक नया अंदाज देख रहे होंगे इसमें, ये मेकअप के रूप में जाना जाता था लेकिन आज कुछ नया अंदाज के रूप में देखेंगे, और कैमरा पे हमारे मोनू, और यहाँ हमारे मेकअप आर्टिस्ट गणेश हैं। हाँ, तो हम लोगों ने काफ़ी प्लान करके इस वीडियो का प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था, लेकिन फाइनली अब जाके जो है हमने राजस्थान का एक लोकेशन पे शूट किया, और लगभग 2 दिन का मेहनत हम लोग का ये चीज़ रंग लाया है। अब देखते हैं कि पब्लिक पे डिपेंड करता है कि क्या है। आज रिलीज हुआ है लाइव भोजपुरी ऑफिशियल पे, 3 बजे रिलीज हो चुका है, और कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। वनु जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही कम अभिनेत्रियां हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कि बड़े स्टारों के साथ काम करने के बाद, जैसे कि अभी आप मणि विराज के साथ में देखी जाती है अक्सर, उनके साथ जो भी गाना आपका आता है सुपर डुपर हिट होता है और ब्लास्ट होता है। अक्सर जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं वो नए कलाकारों के साथ या फिर फ्लॉप कलाकारों के साथ, या फिर कह लीजिए जो मार्केट में चल नहीं रहे उन कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन आपको देखा गया है कि आप सभी कलाकारों के साथ काम करती है, चाहे वो हिट हो चाहे नॉन फेस हो, कैसा भी हो। साजन पांडे जी का गाना है, प्रभा जी ने गाया है, और विक्रम राठौर जी के साथ आपने काम किया है, इस गाने के बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम, चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को, बीसीटी न्यूज के सभी दर्शकों को वन दी ग्रेट का प्रणाम। और जैसा कि आपने कहा कि अभिनेत्री मतलब बड़ी अभिनेत्री छोटे आर्टिस्ट के साथ, फ्लॉप कलाकार के साथ काम नहीं करते, तो जैसे कि मेरा शुरू से कहना है और मेरा मानना है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जन्म से ही कोई स्टार बनकर नहीं आता है, तो मेरी ये सोच है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी जब इस लाइन में स्टार्टिंग में आई थी, मेरा शुरुआत था, तो मैं भी कुछ नहीं थी, तो इन्हीं छोटे छोटे कलाकारों के साथ मैं वहां तक पहुंची हूं आज। क्या लगता है, मिलन आसमान में हुई जी, जैसा ही गाना जिंदा लाश बनेगा, अपना नाम और पहचान बना पाए? देखिए, मैं किसी का कंपैरिजन तो नहीं करूंगी किसी गाने के साथ, सबका अपना अपना एक लेवल होता है, सबकी अपनी अपनी एक मेहनत होती है, तो ये जरूर कहूंगी कि ये गाना बहुत अच्छा जाएगा, सुपर हिट जाएगा, सबकी मेहनत है, अटल सर की मेहनत है, राइटर हमारे सोनू पांडे जी, म्यूजिक डायरेक्टर जयंत दुबे जी, सिंगर हमारे साजन पांडे जी, सभी पूरी टीम का इसमें मेहनत है, और मेहनत मुझे लगता है जरूर रंग लेके आए। सोनू पांडे जी, आप गीतकार हैं, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, आप गाने बहुत लिखते हैं और अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, आप फुहर गाने ना लिखने के लिए जाने जाते हैं, कुछ राइटर जाने जाते हैं वो फुहर गाने लिखते हैं, शायद चुनकर बहुत बेहतरीन गाना लेके आए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको बधाई। कैसा थॉट है आपके दिमाग में, क्या आपको पहले से ही प्लान था कि किससे गवाना है, या कौन गाएगा, कौन म्यूजिक बनाएगा, कौन इसमें काम करेगा, पहले कुछ दिमाग में था? क्योंकि आजकल राइटर बहुत सोच के गाने लिखते हैं, क्या सोच रहे थे जब ये गाना लिखा? सर, एक्चुअली मैं सोचते तो नहीं है कि किसके गवाना है किससे नहीं गवाना है। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, चिंटू आया और बोला कि भैया एक सैड सॉन्ग लिखिए जिससे मतलब अच्छे लेवल पर शूट किया जाए, तो ज्यादा हम लोग बैठे बैठे वही बनाए, और वहीं पे अचानक इस बार ऐसे कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि हाँ पहले से प्लानिंग किया हुआ था या गाना पहले से रखे हुए थे,
इसके सामने लिख के दिए और वहीं पर डमी हुआ। उसके बाद से ये गाना बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन सर का प्लानिंग था, मैडम का प्लानिंग था कि इसको बड़ा लेवल पर शूट करना है, तो बहुत दिनों से इसका चल रहा था, कुछ दिनों से चल रहा था, हुआ था कि इसे राजस्थान में शूट करना है, काफी तैयारियां हो चुकी थी, बीच में एक बार डेट भी हुआ था, साइट कैंसिल हो गया, फिर सर बोले कि नहीं जाएंगे तो वही राजस्थान में ही शूट होगा, फिर सर गए और बहुत अच्छे, बहुत मेहनत किए हैं लोग। कहा जाता है कि बॉडी में अगर रीढ़ की हड्डी बैकबोन ना हो तो खराब हो जाती है, तो म्यूजिक बैकबोन कहा जाता है गानों में। जयंत दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया है, जब ये गाना आपके पास आया था, अक्सर लोग बड़े स्टारों के गाने मेहनत करते हैं, आज के टाइम पे नाम है आर्या शर्मा का, आशीष वर्मा का और भी बड़े बड़े दिग्गज प्रियांशु सिंह का, लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जाएंगे, पैसा देंगे, म्यूजिक देंगे तो बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। आपने क्या सोचा था, किस हिसाब से इसमें काम किया, आपके पास ये गाना आया जब देखा कि सोनू पांडे जी लिखा हुआ है और साजन पांडे जी गाना है, तो किस तरीके से सोच के कैसे काम किया, जैसे बड़े स्टारों के गाने में काम होता है वही फील था, या फिर था कि नया कलाकार है, कोई बात नहीं, पैसा मिल रहा है, टाइम पास, कैसे किया आपने काम? दरअसल हमारे लिए तो गाने सारे अच्छे ही होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी पूरी 100% दें, लेकिन फिर भी इस गाने का लिरिक्स जब मेरे सामने आया तो और कंपोजिंग जब हम लोगों ने मिलकर किया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और चिंटू के लिए तो हमेशा ही हम अच्छा ही करते हैं और हमें भरोसा है कि लोगों को गाना बहुत ही बहुत पसंद आएगा। साजन पांडे जी, ये गाना अभी म्यूट वहाँ चल रहा है, लेकिन आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे, जो आपके साथ में आपकी गायिका है प्रभा राजी, तो यहाँ पे नहीं है लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने गाया, इस पटना में है वो, लेकिन आप थोड़ा सा एक आध लाइन गा के सुनाना चाहें प्लीज, यही आपका गाना। तोहरा से आगो का छुपाई नु हो, हो गइल बाबू सगाई नु हो, ना बदनाम मोरा नाम के करी हा, धीरे धीरे त भुलाई नु हो, लगा कि ओ में के आसिक के हमें ना बुझी हा, ना इज्जत बेचब बाजार में, जिंदा लाश बन के जियब तोहरा प्यार में, खुश रही है रे पगली ससुराल में। आगे बढ़ो, उससे पहले अटल सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस गाने में हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एल्बम का गाना है, ऐसा लग रहा है भोजपुरी किसी फिल्म का यह गाना है, फिल्माया गया है, बेवफाई गाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, और कैसे आपके दिमाग में थॉट आया ये मारकाट दिखाया, और ट्रैक्टर में देख रहा हूँ लोग थार दिखाते हैं आज के टाइम पे, बीएमडब्ल्यू दिखाते हैं, कैसे दिमाग में आया कि ट्रैक्टर में टांगते हैं हीरो को लेके चलते, कैसे कॉन्सेप्ट कैसे आया था? नहीं एक्चुअली इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था कि थोड़ा देसी अंदाज रखा जाएगा, तो हम लोग इसलिए चूज भी किए थे कि हम लोग गांव शूट करेंगे, जो चाहे हम लोग पहले प्लान किया था गोरखपुर चिंटू का जहां घर है, तो वहां हम लोगों ने प्लान किया, फिर कहा कि नहीं वहां से चलो शिफ्ट हो गया हम लोग कि नहीं राजस्थानी करना है, तो देसी अंदाज को लेके मैंने सोचा कि चलो ठीक, वहां कुछ लोग बोले भी कि नहीं उसमें विलन का एंट्री दिखाइए कि हाँ उसमें थार से आ रहा है गाड़ी से, तो फिर कहा कि नहीं देसी अंदाज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कहा कि ठीक है ट्रैक्टर से दिखाओ इसको, ट्रैक्टर से एंट्री दिखाया, ऑडियंस भी हमारी देसी है। हाँ, देसी ऑडियंस है, तो फिर सब चीज वही देसी अंदाज करने के चक्कर में हम लोग वहां पर पहुंचे। अच्छा, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि जैसे राज भाई हो गए, इस टाइप के गाने उनके गाने में इस टाइप की हमें दिखती है, उनके कई गाने आते हैं, हमें लगता है कि अलग लोकेशन, अलग कॉस्ट्यूम, अलग जो स्टेप, म्यूजिक में कुछ वेरिएशन, उस टाइप की चीजें हमें दिख रही है, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ आप रांची से बिलोंग करते हैं? हाँ, झारखंड रांची से मैं जो भी है स्टडी किया हूँ और वहीं से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था और अभी डायरेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो रांची से ही मेरा स्टार्टअप था इस लाइन का, मीडिया का। डायरेक्शन दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज चाहिए सर? डायरेक्शन दिखाने के लिए तो सबसे पहले देखिए आपके अंदर जो है ना वो गुण होना चाहिए कि थीम को आप क्रिएट कर सकें, जो चीज जो गाना बोल रहा है गाने के अकॉर्डिंग जो है आप उसको ढाल सकें। इसके अलावा आप जैसे सॉन्ग की डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया, सॉन्ग के डायरेक्शन में आपको कोरियोग्राफी चाहिए होता है, जैसे मॉडलिंग करते हैं लोग तो उसमें डांस वगैरह का, इसके अलावा जिसमें सॉन्ग के अलावा जो है ना थीम क्रिएट करने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि किस गाना में कौन सा बेस्ट थीम रहेगा और कैसे कराया जा सकता है। इसके साथ साथ तो वर्सेटाइल डायरेक्शन बोले तो उसमें एक्टिंग भी होना चाहिए, डायरेक्टर मतलब होता है कि मतलब सबका जो रहता है एक बाप बोलते हैं, ठीक है कि हर गुण अगर उसमें होता है तो जाके आप किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्टर अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको आप बताएं कि हाँ भाई कि देखो ऐसे नहीं हो रहा है, ये चीज करो, डांस नहीं हो पा रहा है तो एक स्टेप बता दो कि भाई देखो ये स्टेप ठीक निकल रहा है ऐसा बताओ, तो कहने का मतलब उसके अंदर वो कला होनी चाहिए और इसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन का भी उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि जैसे आप जो चीज़ आप शूट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हम एडिट पे क्या लगाएंगे,
कैसे वो एडिट करेंगे तो आपको इजी हो जाता है वो शूट करने का तरीका। कैमरा को आप मान लीजिए कैमरा का सेंस भी होना चाहिए, फ्रेमिंग होना चाहिए, तो कैमरा जो है डीओपी उसके साथ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई ये फ्रेमिंग होना चाहिए एंगल। तो कुल मिला के मेन डायरेक्टर का अंदर जो है ये सारी गुणे होने चाहिए। ये नहीं कि बस एक चीज कोई लेके कि हाँ चलो ठेकेदारी उठा लिए हमने, गाना लेना है करके देना है, वो नहीं। मतलब उसके अंदर टैलेंट होना जरूरी है, हर गुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस गाने में जिंदा लाश से, यानी कि विक्रम राठौर जी से। जिंदा लाश जी कितना टफ था आपके लिए सबसे बड़ी, कि आज के टाइम पे वन ऑफ द ग्रेट के साथ में काम करना बहुत लोग अपना सौभाग्य समझते हैं, और खास तौर डायरेक्शन में अटल जी के गाने में उनके साथ में काम करना बहुत बड़ी बात है, इनके साथ आप जुड़े हुए हैं, कितना टफ था आपके लिए, कितना रिटेक करना पड़ा? सबसे पहले चर्चा न्यूज और बीसीटी न्यूज और दर्शकों सबको प्रणाम, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर अटल जी को और मैडम बनू जी को, कि जो जिन्होंने हमको इस गाने के लिए चुना और इतना अच्छा हमसे एक्ट कराया, जो भी है मैंने किया। ये गाना जब हम लोग कर रहे थे तो मतलब बहुत धूप हो रखा था और पसीना का अलग है और पाँव में चलना हम चल नहीं पा रहे थे, और ये पहाड़ से गिरना सब गिरा हुआ है, एक्चुअली सब बनावटी कुछ नहीं है, अभी भी हमारे पैर में चोट लगा हुआ है, सब रियल है। ये मारना भी या ट्रैक्टर से भागना या सब जो भी दिख रहे हैं सब इसमें नेचुरल सब ओरिजिनल है, कोई बनावटी नहीं है। तो सर ने हम लोग गाना जब कर रहे थे, गाना करने से पहले गाना सुने तो कम से कम दो चार दिन बैठ गए इसकी मतलब सर बता रहे थे कि इस गाना कैसे किया जाएगा, सब अपना टीम बैठे थे, फिर सर ने बताया कैसे से करेंगे, तो फिर करते करते कुछ अच्छा ऐसा स्क्रिप्ट बन गया, फिर हम लोग करने के राजस्थान निकले और फिर अटल जी ने हमसे ऐसा कराया और मैडम बनू जी हमारे साथ दी, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है, मैं चाहूँगा इनके साथ में हमेशा मैं काम करूँ, और अटल जी हमको हमेशा बोले कि तुम ऐसा गाना करो, हमसे अच्छे अच्छे काम करें, बस धन्यवाद। चलिए हीरो के बाद फिर विलन ना हो तो बात बनती नहीं है। और वैसे तो शिवू दादा हम लोग आपको मेकअप मैन के रूप में जानते हैं, अक्सर छोटे छोटे किरदार तो हमने आपके और भी कई गाने में देखे हैं, लेकिन यह किरदार ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पुरस्कार या अवार्ड दिया जाए, बहुत आपका जो एक्सप्रेशन है काबिले तारीफ है, आप बिल्कुल भी हीरो से कम दे नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ऑफर किया अटल सर ने कि आप ये रोल करिए, कैसे सजेस्ट किया, कैसे हुई? सबसे पहले चर्चा न्यूज और बीसीटी न्यूज को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। अटल जी से इस गाने पर मेरी बात हो रही थी करीब 2 महीने पहले से, तो हमारी ये चर्चा हो रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो सर एक दिन ऑफिस बुलाए तो सर बोले कि आओ कुछ डिस्कस किया जाए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद हम लोग निकले राजस्थान और वहाँ जाके हमने शूट किया। शूट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वहाँ इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी आप मुझे वैसे ही मेरा कलर देख रहे हैं और इतना मैं वहाँ तप गया था, वहाँ हम नंगे पैर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पत्थर इतना गर्म था, और जो भी इसमें एक्शन सीन हुआ है सब रियल हुआ है। विक्रम को जो पहाड़ पे से फेंका था वो भी बहुत रिस्की था, पर हमने फेंका वो भी रियल था, तो बहुत मेहनत हुई है गाने में। अटल सर ने हमें इतना सिखाया सेट पे, मैं नहीं कर सकता था ऐसा, जो भी कर पाया अटल सर की वजह से कर पाया, उन्होंने मुझे बताया एक्सप्रेशन, मुझे बैक कैमरा से ये गाइड करते थे कि ऐसा करना है ऐसा करना है, तो मैं कर पाया जो आप स्क्रीन पे देखिए। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि हर लव स्टोरी में कबूतर होता है, तो एक कबूतर यहाँ बैठा हुआ है गन्नू दी ग्रेट, और छोटा ही रोल है लेकिन जितना जबरदस्त रोल है इनका, थोड़ा लगड़े का रोल आप कर रहे हैं, हैंडीकैप का रोल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप, मैंने आपको पहली बार देखा है लेकिन बहुत कमाल का एक्सप्रेशन आपका गाने में दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सभी को, प्रणाम है आप सबका, गन्नू दी ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी, तो आप एक्टर भी बन गए, थैंक यू सो मच, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ मैम को, मैम का मैनेजर भी हूँ, इनको असिस्ट भी करता हूँ, और अटल सर को स्पेशल थैंक्स कि इन्होंने मुझे इस किरदार के लिए लायक समझा, और स्पेशल थैंक्स मेरी बनू मैम को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। स्पेशल थैंक्स मेरे शिवू दादा को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया मेकअप से लेके और एक्ट के मामले में भी, और पहला मौका मुझे बनू मैम ने दिया था बैंड बाजा बराती 7 में, जिसमें भी मेरा किरदार छोटा सा ही है पर दर्शकों को पसंद आया, और यहाँ पे स्पेशल थैंक्स हमारे विक्रम जी को जिन्होंने अपने दोस्त के किरदार के लिए मुझे चुना, और चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को जो लोग ये देख रहे हैं उन सबको दिल से प्रणाम है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, और मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, अक्सर किसी भी चीज को हम देखते हैं
तो वो सबसे चीज पहले कौन देखता है? डीओपी यानी कि कैमरा। और अच्छा चीज तभी बन पाता है जब कोई अच्छा कैमरामैन किसी फिल्म या गाने में हो। तो मोनू जी आपसे जानना चाहेंगे, हमें जैसा कि पता चल रहा है कि यह गाना सिर्फ एक कैमरे से शूट किया गया है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, सिंगल कैमरा। ये सच बात है, एक कैमरे से ये पूरा गाना शूट हुआ है और जिसमें हम लोगों की पूरी टीम की एक मजबूती है कि हम लोग इस गाने को इतनी इतनी हाई फाई क्वालिटी में हम लोग शूट किए हैं। खास तौर में उसमें 4 से 5 सीन ऐसे हैं, जैसा आपने शॉट लिया, जैसे कि वनु जी जब रो रही हैं कमरे के अंदर, जो शॉट चलता हुआ ऐसा लग रहा है गिम्बल चल रहा है उसके। जी जी, बहुत सारे गिम्बल से शॉट लिए गए, और जो आपने ऊपर से शॉट लिया है, और फिर जो ट्रैक्टर वाला शॉट है, खासकर जो पहाड़ी वाला शॉट है, बहुत गजब गजब के शॉट आपने निकाले हैं। बिल्कुल, सारा जितना भी शॉट है सारा गिम्बल से शॉट निकाला है, कोई भी ना ट्रैक वाली चला है, ना क्रेन है, ना ड्रोन है, सब एक कैमरे से शूट हुआ है टोटली। कितना कितना टफ हुआ आपके लिए इस गाने का काम करने का? अटल सर को जहां तक मैं जानता हूं वो जल्दी एक टेक से खुश नहीं होते, और अच्छा भी हो जाए तो चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा लेके रखो, शायद ये मजा ना आए। एक्चुअली क्या है कि अटल जी का सपोर्ट है कि हम लोग आज इतना मेहनत करके इतना बढ़िया गाना बनाए हैं, बाकी देखते हैं दर्शकों के ऊपर क्या है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गाने लेके आए जिसका नाम है जिंदा दास। वनु जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप सबसे पहली बात तो कोई भी बड़ी अभिनेत्री गाने में काम तो कर देती है, पैसे तो ले लेती है, उसके बैंक में हाथ हो जाते हैं, बट इवेंट में शामिल नहीं होती, खासतौर में उन कलाकारों की इवेंट में, प्रमोशन वीडियोस में जिसमें नए कलाकार होते हैं। आपने टाइम दिया, आप आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जिंदा लाश के बारे में मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलना चाहूंगी। जैसा आपने बोला कि बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, तो आज मैं उस बड़े इवेंट तक पहुंची हूँ ना, तो यहीं से पहुंची हूँ। तो मैं अटल सर को जितना बोलूं इनका एहसान मैं कभी झुका नहीं सकती, क्योंकि मुझे बनाने वाले यही हैं। आज इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, मार्केट में मैं चल रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम कर रही हूँ, बट मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अटल सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, क्योंकि जिस लेवल पे अभी ये काम कर रही हैं, जैसा मार्केट में इनकी अभी पहचान है, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि अभी भी हमारे साथ ये जुड़ी हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। जाते जाते सर, जिंदा लाश के बारे में, इस गाने के बारे में पब्लिक से आप सभी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो क्या अपील करेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहेंगे कि देखिए, हर गाने को प्यार देते हैं, लेकिन मैं खास कर दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि हम अगर इस तरह के गाने बनाते हैं और आप इस तरह के गाने को अगर सपोर्ट करते हैं, तो हमें हौसला मिलेगा, हमारी टीम को हौसला मिलेगा कि और इससे भी बेहतर बेहतर गाना बनाए। तो प्लीज़ जिंदा लाश को आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, दबा के रील बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए।